T20 में बतौर कप्तान रोहित शर्मा के नाम ये गजब का रिकॉर्ड जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। रोहित शर्मा की गिनती दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है और उन्होंने टीम इंडिया के लिए कुछ मैचों में कप्तानी भी की है। वैसे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हैं, पर उनकी गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा ने कप्तान संभाली है। रोहित शर्मा के नाम T20 प्रारूप में बतौर कप्तान एक खास रिकॉर्ड है जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। T20 प्रारूप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा टॉप पर हैं। उन्होंने 7 शतक लगाए हैं। यही नहीं, वह कप्तान के तौर पर भी सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शर्मा ने अब तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा 2 शतक लगाए हैं। इस मामले में रोहित की टक्कर में कोई नहीं है। बतौर बल्लेबाज भी 4 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी में वह एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं। वैसे वनडे प्रारूप के तहत बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा शतक 22 शतक विराट कोहली और रिकी पॉन्टिंग के नाम हैं। वहीं टेस्ट प्रारूप के तहत सबसे ज़्यादा शतक 25 शतक ग्रीम स्मिथ के नाम हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के इन दिनों पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटा है और इस महामारी का असर बाकी खेलों की तरह क्रिकेट पर भी हुआ है। कोरोना वायरस के चलते क्रिकेट थम गया है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोरोना के चलते तमाम क्रिकेटरों घर में कैद हैं। अब तक कोरोना वायरस की चपेट में कई क्रिकेटर प्रतियोगिताएं आई हैं और IPL और T20 विश्व कप पर भी इसका असर होता दिख रहा है। कोरोना के चलते IPL का 13वां सीजन रद्द होने के कागार पर है। और अगर आप फोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, पिक्स आर्ट से पिक्स एडिट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो UC एडिट्स को सब्सक्राइब कर लें, जिनका चैनल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप पिक्स को एडिट करने में इंटरेस्ट रखते हैं और आप बेहतरीन पिक्स एडिट करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और क्रिकेट की तमाम गर्मा गर्म और बड़ी खबरों के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।